यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चौथा विजिट होने जा रहा है 6 जनवरी 2022 में। ये आप इमेजिन कर लें कि किस तरह चीजें जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, और नरेंद्र मोदी का यूएई में जाना फॉर लॉन्ग। पाकिस्तान ने अपनी एक मोनोपोली रखने की कोशिश की मुस्लिम वर्ल्ड में। उस मोनोपोली को समवेयर इट सीम्स के इंडिया ने तोड़ने की कोशिश की, और बहुत हद तक वो कामयाब हुआ। और वो ये था कि जैसे जैसे मैंने बताया कि ये चौथा विजिट है नरेंद्र मोदी का जनवरी 22 में, यानी कि इससे पहले वो 2015 में बेसिकली गए थे। अच्छा, मजे की बात देखें, 2015 में जब नरेंद्र मोदी यूएई गए, उससे पहले तकरीबन 30 साल तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई नहीं गया। इंदिरा गांधी 1981 में गई थी। अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी आप देखें कि अभी क्वाड टू की बातें हो रही हैं, जिसमें इसराइल, यूएई, अमेरिका एंड इंडिया की बात हो रही है। और जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जय शंकर हैं, वो कहते हैं कि जो यूएई है वो हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है। एक्सटेंडेड यानी कि वो, जारी बात, एक तो चलो ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा जो इंडियन एक्सपेट्रेट्स हैं रह रहे हैं, वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, और इंडिया और पाकिस्तान से लोग दुबई जो है वो अपना घर ही समझते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सानिया मिर्जा और शुएब अख्तर हैं, तो वो आई थिंक वो दुबई में रहते हैं, क्योंकि वो, उनको एक तो आसान भी है रहना, ना वो इंडिया में रहेंगे ना वो पाकिस्तान में रहेंगे, एक तीसरा न्यूट्रल जो है वो प्लेयर बना हुआ है। बट एनी हाउ, दिस कमिंग बैक टू इट, ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि अब देखें कि जिसे आप कह लें कि जिस तरह सिंगापुर की जो है वो ईस्ट में जो है वो इसकी वैल्यू है, इसी तरह यूएई की जो समझ लें कि एक वेस्ट में एक वैल्यू है, और इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से भी इसकी बड़ी वर्थ है। अब अगर आपको याद हो कि जैसे मैंने एक तो बताया कि 30 साल बाद नरेंद्र मोदी ने एक बुनियाद रखी, और नरेंद्र मोदी बहुत हद तक चीजों को फोर्सी करने में कामयाब हुए। एक तो जारी बात है, इंडिया उस वक्त एक प्रॉपरली मिड साइज पावर तकरीबन ऑलमोस्ट है, जो कि अपने खित्ते में चलो एक एक ग्रेट पावर के तौर पे ऑपरेट कर रहा है। और दूसरा ये है कि यूएई में और मिडिल ईस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही थी। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान की भी, अब जारी बात है, वो पोजीशन नहीं रही थी, क्योंकि जो ओवरऑल पोजीशन है वो ये है कि पाकिस्तान हैज हिस्टोरिकली ऑलवेज ट्राई टू यूज मिडिल ईस्टर्न एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम कंट्रीज फॉर कश्मीर इशू, और मुसलमान ममालिक जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर इंडिया के करीब नहीं जाते थे, या फिर यह कि कश्मीर पे बड़ा बोलते थे तो लहजा वो बात नहीं होती थी। तो उस तो जब तक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा, वो तब तक तो चीजें ठीक रही। इंडिया भी उस वक्त ग्रो नहीं कर रहा था, चीजें उतनी फास्ट नहीं थी, इंडिया की इकोनॉमी भी उस तरह नहीं थी, पॉपुलेशन को भी नहीं लिया जा रहा था, इंडिया सप्लाई चेन भी नहीं था, इंडियंस का रोल भी मिडल ईस्ट में, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, यूएई में नहीं था। तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन अभी ये पिछले 10-15 सालों में चीजें बिल्कुल बदल के आ गई हैं, सामने आ गई हैं। और बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, जिस तरह ये फ्री फ्लो ऑफ गुड्स मूव जो है वो हुआ, आइडियाज हुआ है, और जो है वो लोगों का फ्री फ्लो हुआ है, बहुत सारी चीजें बदली हैं। अब आप देखें ना कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से ट्रूप्स निकाल लिए हैं, गल्फ रीजन के साथ जिस तरह सिविल मिलिट्री इंडिया की क्यादत जो है वो कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल कर रही है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहां पे अब्राहम अकॉर्ड करके इसराइल को मेन स्ट्रीम किया, उसका इंडिया को बहुत फायदा हुआ। और फिर जिस तरह आप कहते हैं ना, इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। आपको पता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ जो थे, उन्होंने विजिट भी किया, सऊदी अरब का भी किया और यूएई का भी किया था। सो इंडिया, फिर यूएई की जो हाई लेवल लीडरशिप है वो भी इंडिया आई है। और अगर आपको याद है कि जो 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे 2017 का, उसमें जो जो शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान है, क्राउन प्रिंस अबू धाबी जो है वो भी आए थे, जिस तरह एमबीएस है सऊदी अरब में उस तरह ये हैं। सो ये अब जारी बात है, ये जो जैद बिन नहयान है, ही इज ऑल्सो डिप्टी सुप्रीम कमांडर ऑफ द यूएई आर्म फोर्सेज। तो ये आप इमेजिन कर लें कि किस तरह चीजें जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, और नरेंद्र मोदी का यूएई में जाना क्या वैल्यू रखता है। अब देखें कि एक तरफ पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है जो वहां पे जा रहा है कि हमारे वीजे खोल दें, आपने हमारे वीजे बंद किए हुए हैं, वो कह रहे हैं नहीं जी कोविड है, हमने कोविड के लिए बंद किए हैं। तो पाकिस्तानी कहते हैं कि ठीक है कोविड है, तो आपने इंडियंस के वीजे क्यों खोले हुए हैं, क्योंकि वो तो आपको पता है कि
वहां पे ज्यादा कोरोना है पाकिस्तान से, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं वो ये मामलात हैं वो मामलात हैं, लेकिन असल में इशू क्या था कि इसराइल के साथ जब ताल्लुकात इनके बहाल हुए, इन्होंने रिकग्नाइज किया, तो पाकिस्तानी जो बहुत ज्यादा थे वहां पे, और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसराइल के बारे में एक खास किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये ज्यूज हैं, ये काफिर हैं, और फलस्तीन को लेकर के, अरबों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, वो जो इसराइल का एक पॉइंट ऑफ व्यू ना, एक ओप्रेसिव है, मुसलमानों के हकूक खाते हैं, और इंडिया और इसराइल का नेक्सस है, हमने ये आपको पता है ओवरऑल जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है इस मुल्क का उसमें हमने वो लेके चले हैं। सो इसमें आके जो है वो दी अमराती जो बड़े केयरफुल हो गए। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान ने दे ट्राई टू पुट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन दी अमराती एंड द सऊदीज। फॉर इंस्टेंस ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये 5 अगस्त 2019 के बाद की है, जब नरेंद्र मोदी ने विजिट किया तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ये जो जैद साहब हैं इन्होंने इनको हार पहनाया और हाईएस्ट जो यूएई का जो अवार्ड था वो दिया। अब पाकिस्तान में यहाँ पे बड़ी जो है वो शोर मच गया कि जनाब ये क्या बात हुई कि आप जो है वो नरेंद्र मोदी को हार पहनाते हैं, वो कश्मीरियों का बुचर है, उसने कश्मीरियों को मारा है, उसने कश्मीरियों के हकूक छीन लिए हैं, और ये मुस्लिम वर्ल्ड किस तरह की हमारे साथ ऑपरेट कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम भी ये था कि हमारी डिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। आप देखें ना तकरीबन हमारी जो ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट समवेयर अराउंड 3-4 बिलियन डॉलर जो है वो यूएई से आता है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस, 6-7 अरब डॉलर सऊदी अरब से आता है, बाकी फिर जो गल्फ ममालिक है वहां से आता है। तो हमारी हुकूमत को पता था हमारी कितनी लिवरेज है, सो वी केप्ट साइलेंट एंड वी डिडंट स्पीक और अटर समथिंग कि जिसमें हम वी कैन लमेंट दी अमराती, बिकॉज हमारे पास तो नहीं है, हम तो 3 अरब डॉलर लेने चले गए थे उनके। आपको याद होगा कि जो क्राउन प्रिंस साहब हैं, जैद बिन नहयान साहब हैं, ये आए थे इधर रहीमियार खान में हमारे, ये आते हैं, इन्होंने अपने बड़े जबरदस्त फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं, बड़े महल बनाए हुए हैं, आते हैं शिकार खेलते हैं, ये होबरा बर्ड का, तो आए हुए थे, तो वापसी पे जाते हुए थोड़ी देर के लिए इस्लामाबाद आ गए और इमरान खान साहब उनकी गाड़ी चला के तो उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से यहाँ पे ले आए, जिससे पता चला जी कि हमारे बड़े ताल्लुकात हैं और बहुत कुछ। लेकिन इट वॉज ऑल फॉर द मनी, हम क्योंकि हमें पैसा चाहिए था, हमने अपने स्टेट बैंक में रखाना था, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रही थी। सो ये जो अब फिर ये है कि हमारे लिए तो हम तो यूएई को देख रहे हैं दो तरह से, कश्मीर दे कॉन्सिडर दिस एज ए लाइबिलिटी कि हम कश्मीर के ऊपर वो नई स्टांस लेंगे जो माजी में ले रहे थे, दूसरा जो था यूएई जो था उसकी इसराइल की वजह से वो अब उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, अब्राहम अकॉर्ड और सारा, अब उनको कौन पूछे, तीसरा हमारी उनके ऊपर लिवरेज खत्म हो चुकी है क्योंकि हमारे लोग वहां पे बहुत ज्यादा हैं, हमें तो आज वो सिर्फ वीजे बंद कर रहे हैं, थोड़ा झटका दें तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम, हमारे लोग तो यहाँ पे भूख से मर जाएंगे क्योंकि हमारी हमारी जो हुकूमत है उसने हमारी जो रेमिटेंस हमें आती थी मिडल ईस्ट से उसको भी हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बना दिया, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो रोज अपने ट्विटर पे लगा देते हैं आज अल्लाह के हुक्म ना इन्हें पैसे आ गए, आज जितने पैसे आ गए, आज जितने पैसे आ गए, हालांकि ही शुड नॉट पुट इट लाइक दिस वे, दिस इज अ वीकनेस, ये उनकी वीकनेस है जो इमरान खान साहब करते हैं। लेकिन कौन पूछे इमरान खान साहब को और कौन कहे कि खान साहब आप ये कर रहे हैं। अच्छा अब आके अगर आप देखें कि यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे, मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात की, मैंने इस पर बड़ा बोला था, मैंने कहा जी क्यों बात नहीं की हमने, अगर या हमने बात की है उन्होंने सुनी नहीं है। अब यूएई जो है वो इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, हमारे तो दुबई हमारी इतनी मदद कर रहा है कि हमारी जो थोड़ी बहुत ट्रेड इंडिया के साथ है वो वाया यूएई आ रही है, ठीक है, इंडिया ने तो वैसे ट्रेड बंद कर दी हुई है। पाकिस्तान को दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और वो ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं होगी जब तक पाकिस्तान अपना रिलीजियो आइडियोलॉजिकल लेंस नहीं बदलेगा।